मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं कि जब लीनियर इक्वेशन आपको इन टू वेरिएबल में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर वो आपकी इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या आपकी नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन कंडीशन अराइज होती है क्योंकि आप जानते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लेते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सपोज करते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा है आपके पास ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये आपके लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पर। और ये दोनों लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको तीन कंडीशन मिलेगी। एक कंडीशन मिलेगी आपको, ये जब दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप जानते हैं कि दो लाइनें मिलेंगी आपको, दो स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी वो देखिए क्या क्या हो सकती है, दो स्ट्रेट लाइन किस तरह से एक दूसरे को के साथ रिलेशन में रहेंगी। देखिए यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, दो लीनियर इक्वेशन से दो लाइनें जो बनेंगी, या तो वो हो सकता है कि इस तरह से कुछ इंटरसेक्टिंग हो। सपोज हम मान लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी ये है आपकी सपोज मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं। दूसरा ग्राफ हम एक एज्यूम करते हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है, ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये होंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए दूसरी लीनियर इक्वेशन हो सकता है कि वो क्या हो सकती है, कौन साइड कट जाए, ये एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से ऐसे चली जाए, यानी कि पूरी एक दूसरे का ओवरलैप कर जाए, तो ये सिचुएशन हो सकती है। यानी कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और दूसरी लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों लाइन कौन साइड भी कर सकती है, ये एक सिचुएशन हो सकती है। और एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है, वो भी आप यहाँ समझ लीजिए कि तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक लाइन आपकी कुछ ऐसे जाए और दूसरी लाइन कुछ आपकी ऐसे चली जाए, जिसमें आपकी ये है आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन हो गई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन बनती है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग टू ईच अदर, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। अब देखिए यहाँ पर तीन कंडीशंस बनती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर कि ये तीन सिचुएशन है, ये तीन सिचुएशन हम ग्राफ से तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, मगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके हम कैसे बताएंगे कि हमारी कौन सी सिचुएशन है। तो देखिए बच्चों, हम आपको जो कंडीशन बताने जा रहे हैं उससे आप क्लियरली बता सकते हैं कि आपकी जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल आपका वो किस तरह से यूनिक, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि आपका ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। यहाँ पर देखिए कॉन्साइड हो रही है लाइनें, तो यहाँ पे इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए आपको दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग टू ईच अदर सो दे आर हैविंग नो सॉल्यूशन, सुनना है इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन आपकी क्या बन गई, नो सॉल्यूशन, और ये आपकी कंडीशन हो गई इसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हर पॉइंट अपने आप में सॉल्यूशन है, इसलिए इसको कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो
तो देखिए इस तरह से ये तीन कंडीशन बनी। ये कौन सी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यहाँ पर क्या होगा? पैरेलल लाइनें होंगी। और यहाँ पर कैसी लाइनें होंगी? कोइंसाइड करेंगी, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, यहीं पर क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जब आपको सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंसी, और जब सॉल्यूशन ना मिले तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं, यानी इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो आपकी है उसको आप चेक करेंगे कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा कि आपका अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो आपका वो क्या है? कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो भी कंसिस्टेंट है, और अगर आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन मिलता है तो यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट है। समझ आया? अब इसके बाद देखिए कैसे हम एल्जेब्रिकली ये चीज़ पता लगा पाएंगे कि बिना ड्राफ्टर रिप्रेजेंटेशन किए हुए कि कौन सी कंडीशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन कैसे हमें पता लगेगा। तो देखिए इसका तरीका ये है कि जब आप ये आपकी लीनियर इक्वेशन है n2 वेरिएबल इस फॉर्म में होगी, पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ से a1 by a2, अगर आपका b1 by b2 के इक्वल नहीं आता है तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा। यानी कि आप यहाँ पर बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हुए आप बता सकते हैं कि a1 by a2 does not equal to b1 by b2। आप तुरंत जैसे ये सिचुएशन आती है तुरंत आप लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, जब हमारी ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन? यहाँ की कंडीशन होगी आपकी a1 by a2 equal to b1 by b2 इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यहाँ पर तीनों रेशियो आपके इक्वल हो जाएंगे, तुरंत आप कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इसके और ये कॉन्सिडेंट लाइन है। अगर यहाँ पर क्या होगा आपका ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो होगा, बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यहाँ पर ये सी वन बाई सी टू आपका इक्वल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो आप कर सकते हैं, तो आप पहले ये चेक करेंगे कि ये तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कॉन्सिडेंट है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियरली बता सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अगर आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम लीनियर इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज अगर ये आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो हम उसको वहीं रोक देते हैं। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आते हैं तो हमको देखिए जैसे आप इन जनरल बात करें आप तो किसी प्रॉब्लम का अगर आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है तो आप उसको निकालते हैं और आप उसको निकाल के देते हैं, ठीक है। अगर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो बताने की ज़रूरत ही क्या है उसको, इतने सारे सॉल्यूशन है कोई भी सॉल्यूशन आप ऑप्ट कर सकते हैं। मगर जब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर किसी प्रॉब्लम का तो फिर उस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन को ध्यान रखना है कि नो सॉल्यूशन मतलब हमको सॉल्यूशन फाइंड करना ही नहीं जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको सॉल्व कब करना है प्रॉब्लम को? जब वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।